हम आह्वान करें हम परात पर एवं परात परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो वन द सिंबल डॉन की संक्षिप्त सार समरी के चौथे पार्ट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को, जिनका भाव प्रकट हो, हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम चलते हैं आगे। रह गया केवल अवतरित हुई दिव्यता की उपस्थिति का आभास मात्र, तथा नश्वरता में शाश्वतता के अद्वितीय अनुपम भागवत सौंदर्य के आभा मंडल की स्मृति ही शेष रह गई। सतत विकासोन्मुखता से अभिव्यक्तिकरण की प्रक्रिया में जड़ के जड़त्व से सतत वृद्धिंगत सचेतनता धारण करने की प्रक्रिया में मंद विकासोन्मुखता धारण कर अगिनत युगो युगो के महाप्रकृति के श्रम के उपरांत जड़ से वनस्पति, वनस्पति से प्राणी, प्राणी से मानवता तक के रूपायन तथा वर्तमान विकसित मानव में पार्थिव दिन का वही पुराना साधारण सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण से मंद विकासोन्मुखता की ओर अग्रसर होने की ऊर्जा और मंद प्रकाश गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने के लिए अब शेष बचा था। सतत अनथक प्रकृति के चेतना विकासोन्मुख प्रक्रिया से लगभग विस्मृत लक्ष्य की मंद हुई विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण की अर्थहीन जीवन गति के श्रम पूर्ण कोलाहल से अवतरित भागवत दिव्य चेतना की सौंदर्य पूर्ण चमक दमक के प्रकाश में कुछ क्षण मानो विश्राम करके उस दिव्य प्रकाश की चमक दमक जो ही अपने शाश्वतता की ओर परालोक में लौटी, वैसी ही पुनः अपनी अंध शोध की कोलू ही रणों में पड़कर अब समूची सृष्टि मानव चक्कर काटने लगे। देश सीमित काल बंधन से युक्त अपराप प्रकृति के काल संचालन में वर्तमान घड़ियों की एक प्रेरणा के अधीन समूची जगती के जीव जंतु, वनस्पति, भू स्वयं की उन्नत भावी की स्वयं शाश्वतता धारण कर अभिव्यक्ति पा जाना, इससे विस्मृत बने, सबके सब विस्मृत बने, व्यक्त रूप आकार अनभिज्ञ से दैनिक कार्यों के जटिल प्रक्रिया के चरखों में आकर पुनः उलझ गए। इसमें धरती का नेता जो लगभग अर्ध सचेतन विकास की अवस्था में स्थित है,
वह भी शंकित मनास्थिति से स्वभावी को अनिश्चितता से घूरते हुए जागा, जिसने समूचे गंतव्य लक्ष्य की भवितव्यता का पूरा पूरा बोझा उठाया था। इन सबके साथ सावित्री भी निज निंद्रा से जागी। यद्यपि कि सावित्री मानवों में रहती, वे मानव जो प्रचलित लौकिक चटपटे स्वाद वाले इंद्रियगत जीवन यापन में ही खुशियां मनाते और प्राप्त छोटे मोटे प्राप्तियों से फूले न समाते हुए जीवन यापन में संलग्न बने रहते हैं, किंतु सावित्री जीवन के क्षुद्र क्रियाकलापों से प्राप्त आनंद में भाग न ले रही थी, यह उसको रुचिकर न था, क्योंकि वह अपने मूल जिससे उद्भूत होकर धरा पर किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर आई थी, इसके प्रति पूर्ण सचेतन थी। उसकी अंतरवासी अतिथि दिव्यता जगत के सुखों से ललचाई न जा सकी थी। मानव सदैव कामना से प्रेरित होकर उसका मन जगत की क्षुद्र रंग बिरंगी उपलब्धियों के पीछे दिन रात दौड़ा धूपी करके जीवन यापन में व्यस्त तम बना रहता है। इस सबसे परे जिस विस्तृतता आनंद और दिव्य शक्ति संपन्ना बनी भागवत लक्ष्य संसिद्धि में आई, काल बाधा को दूर करने के लिए ही तो सावित्री धरा पर उतरी थी। तभी तो काल जनित क्षणिक ज्योति का संदेश तो उसके लिए न था। यद्यपि कि उसमें देवों के हृदय का वेदन था, जो मृत्युंजयी होकर भी जगनश्वरता से बीजित बनकर भंगुर मानव साचे के भीतर बंदी बना रहता था। भागवत लक्ष्य संसिद्धि में अपरा देश काल सीमा बंधन शासन से प्रभावित सतत विकासोन्मुख गति जो अत्यंत ही मंद गति धारण किए रहकर क्षुद्र हर्षोन्माद एवं दुखों में ही रमी रहकर मानव जीवन यापन करते, उनमें सावित्री में अवतरित हुए शाश्वत स्वर्गानंद के ज्वाजल्य कपाटों की अब साक्षात एक कुंजी को जगत की पार्थिवता ने, जिसे वह लेकर आई थी जगत के लिए, अब ठुकरा दिया, निद्राया। पृथ्वी की तमोग्रस्त काल शासित प्रकृति तो बस अश्रु हास्य के रस पर ही पलते रहना चाहती है, इसलिए जगती ने सावित्री संग अवतरित होकर आए अमरानंद के अलभ्य वरदान से अपने हाथ खींच लिए, और इसके विपरीत इस शाश्वत पुत्री को प्रेम के बदले अहित कारणी अपनी चाल गति से क्षुद्र घृणा हर्ष प्रेम और दुखों से ही
रहते हुए बढ़ते जाने के लिए जीवन यापन का चयन कराया। परम मंदता से, कठिनाइयों से जूझते हुए अनिवार्य भागवत लक्ष्य संसिद्धि की ओर बढ़ने बढ़ते रहकर मृत्यु की अजब भेंट दी। सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण से विकसित होते हुए यह सृष्टि का सृजन जड़ से मानवता तक इस आशा से कि कभी भागवत उन्नत सत्ता और स्वर्ग स्वाभाविक रूप से धरती पर रूपायित हो सकेंगे, इस उम्मीद से शाश्वत ने दिव्यता के खजाने से अति मुक्त हस्त से अपनी समस्त श्रेष्ठताओं को मानव पर लुटा दिया था, ताकि मर्त्य जगत पर शाश्वत जीवन अपनी जड़ें जमा सके। किंतु यह धरती प्रकृति तो किसी भी प्रकार से शाश्वतता के स्पर्श को अपने नश्वर अंगों पर सहन नहीं कर सकती है, बल्कि हर क्षण शाश्वत की सूक्ष्म अग्नि और आकाश के संघातों से भयभीत रहकर उस दुख विहीन अत्यंत सुख पर, शाश्वत सुख होता है ना, परात्पर और पराचेतना धारण किए व्यक्तित्वों पर, तो दुख विहीन अनंत सुख पर उल्टा सीधा सदैव बड़बड़ाती रहती। और धरा जीवन में सावित्री के माध्यम से मुश्किल से लाई दिव्य ज्योति को दूर ठेल कर सत्य की नग्न कठोर शक्ति को उसके निरपेक्षता के भीषण माधुर्य तेज से सतत घृणा के भाव से यह नश्वरताधारी जगत और धरती के सब कांपा करते हैं, और शाश्वतता से आए देवदूतों के उच्च स्तरीय चेतना प्रदेशों पर नश्वरता के अंधे नियम लाद लाद कर उन्हें नश्वरता के कीचड़ से लपेट कर शान देती है। और भागवत पुत्रों के द्वारा लाए मानवता की नश्वरता को शाश्वतता में बदल देने के किरीट मुकुट के बदले उनको शूली का उपहार देती है यह जगत की मानवता। उनके भागवत व्यक्तित्वों द्वारा लाए सकल शुभ को अशुभ में बदलकर अज्ञान अंधकार के घोर तमसा छन्न मनों से चेतना ऊर्ध्वारोहण क्रिया को और अधिक मंद कर देती है यह मानव जाति। अनेक बार शाश्वत लोक से नश्वरता में मानव सहायता हेतु दिव्य ज्योति के अग्नि ज्वाल धरती पर अवतरित हुए युगो युगों में, किंतु कुछ मुट्ठी भर जन ही उन्नत जीवन तक पहुंच सके थे, और वह ज्वाल पुनः धरा से शाश्वत लोक में लौट गई थी। किंतु सावित्री उन सबसे भिन्न थी जो मानव क्षेत्र में मानव चोला धारण करके समूची जाति की सहायता और रक्षा हेतु मूल से सुविशाल शाश्वत महत्ता धारण करके अवतरित हुई थी। उसकी यह अति सुविशाल
शाश्वत अमापी महत्ता जग की नश्वरता के अज्ञ हृदयों पर अब बोझ बनी थी, तब इसने सावित्री पर प्रतिशोध का, संघर्ष पूर्ण शोक का तथा पतन का कुत्सित पतित भाग उछाला था। इस सबके बावजूद सावित्री का हृदय सबके प्रति खुला हुआ था, क्योंकि उसका अंतर समूची प्रकृति के संग एकत्व एकाकार बना हुआ, समूची जगती के दुख कष्टों एवं पीड़ाओं को स्वयं का जानकर सबको वैश्विक माता के समान दुलार रहा था। उसने काल शासन को सब पर शासित करने के समस्त कष्टों के मूल को जाना, जो भागवत संकल्प से उद्भूत जगत को पीड़ित कर मृत्यु मुख में ले जाता था और मानव अपने जीवन यापन पर अनिश्चितता तथा नियति का जुआ सतत कांधे पर लाद कर अत्यंत श्रम और संघर्ष से ही अपनी दिनचर्या बिताता। तब मानव जीवन धारण करने पर सावित्री को भी अर्थात देवता को भी मर्त्य नियति से गुजरते हुए मानवीय विपदा पूर्ण जीवन यापन करते हुए मृत्यु से युद्ध करना पड़ा था। बाल्यकाल से युवा अवस्था तक व्याप्त शाश्वत ज्योतिर्मय प्रभाव से वह जगत दुख कष्ट पीड़ाओं से अब तक प्रारंभिक जीवन में वह मुक्त बनी रही थी, किंतु अब सत्यवान वर्ण के पश्चात एक असित अनिष्टमय पूर्व ज्ञान ने प्रकट होकर सावित्री के विश्व ऐक्य अवस्था में स्थित होने से उपजे सकल मानव जाति के दुख कष्ट पीड़ा संत्रास के बोझे को वह अब अपने ऊपर वहन कर रही थी। तभी तो पृथ्वी प्रेम तथा अनिष्ट भावी इन तीन पुरातन वेरियों ने उसके भीतर अब अपना विरोध स्वरूप डेरा डाला था, और तभी सावित्री ने लाए लक्ष्य प्रति पूर्ण सचेतन बनकर काल की व्यूह बद्ध कूच को सहा और झेला था। जग के अर्थहीन कोलाहल अपरिवर्तनशील दृश्यावलियों के भीतर काल तथा विधि से सामना करने के लिए बाजी लेने के लिए सावित्री की आत्मा अब सुतत्पर हो गई थी, क्योंकि यह वह दिन था कि सत्यवान को जिस दिन अपना मर्त्य कलेवर तजना ही था, काल के गाल में समा जाना था। आज हम इस भावपूर्ण विषय को यही विराम देते हैं। आवाहन पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो वन के संक्षिप्त सार को देखा जाना सुना समझा, प्रकट हुए इस भाव को हम
अवतरित हुई दिव्य चेतना से निवेदन करें, हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, सूत्रों को, मंत्रों को जब जब साधना के दुरू काल पर हमें इनकी आवश्यकता हो, तब तब यह जागृत होकर साधना के दुरू पथ पर हमारा नेतृत्व करे। सी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया सत्ता स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।